किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, जीना इसी का नाम है। मेरा नाम है सिद्धि वर्मा और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए शो आपकी आवाज़ पे। इस शो के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं साइटी की उन अनसंग हीरो से जो सिर्फ अपने या अपनों का नहीं सोचते बल्कि दूसरों का भी सोचते हैं और उसे निभाते भी हैं। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं उनकी जिंदगी इन गानों के बोल से काफी मिलती जुलती है। वो है मिस्टर ढिंगरा, दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के फाउंडर। दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी एक हफ्ते में 9 लंगर सर्व करती है अलग अलग हॉस्पिटल्स पे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपकी आवाज। एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द फोर्थ फाउंडेशन दैट इज सेलिब्रेटेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन विच इज सच अ मैसिव सक्सेस। सो टेल अस सर, वी रियली आर ईगर टू नो कैसे शुरू हुआ सब कुछ। ये कहानी करीबन 2015 की है, जनवरी का महीना था। We had gone for lunch and with my kids and bill आया तो उस amount को देख के दिमाग में आया कि हमको दो बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि हम खाना क्या खा रहे हैं और अगला खाना हमको क्या मिलेगा। तो उसी दरमियान ये बातचीत चालू हुई कि हिंदुस्तान में कितने लोग भूखे हैं और कितने लोग भूख से मर जाते हैं। सो उसी के तहत हमने उतने बिल का अमाउंट अलग रखा, खुद खाना तैयार करके हम एम्स के बाहर पहुंच गए। एम्स के बाहर पहुंचने के बाद असलियत दिखी कि कितने लोग भूखे हैं वहाँ पर, एंड हमने करीबन 400 आदमियों का खाना इकट्ठा करके बना के लेके गए थे। इट वाज अ ट्यूसडे एंड इट वाज द 10th of March 2015 टू बी प्रिसाइज। वो हमको इतना वहाँ पर सुकून मिला ज़रूरतमंद की सेवा करके कि आहिस्ता आहिस्ता और हमारे यार दोस्त जुड़े, जुड़ते 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 हमें 5वें साल के अंदर अपना कदम रख दिया। सर आप, वी हैव रेड अ लॉट कि आप हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, रोज खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। सो इसके पीछे क्या जाता है, आप इतने मैसिव स्केल पे अगर ये ऑर्गेनाइज करते हैं, सो व्हाट गोज बिहाइंड द प्रिपरेशन? जैसे कि आपको पता है मैं दिल्ली का ही वासी हूँ, सो काफ़ी सारे यार दोस्त एसोसिएट्स लोग जो मुझे जानते हैं, तो एक जब ये देखा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस सेवा को जारी रखने के लिए, तो हमने अपने सारे यारों दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। सोशल मीडिया, फेसबुक जिंदाबाद, उसकी मदद से जगह जगह हम और पहुंचने लगे। अभी तो अब 9 times a week हो गई है, नहीं तो कुछ साल पहले जब सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार होती थी तो कुछ लड़कियां मुझे कहती थी कि वीर जी हम वेट करते हैं मंडे के आने की। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली सभी वेट करेंगे मंडे के। कहते नहीं, हम वेट करते हैं कि मंडे की अटेंडेंस खुलेगी तो हम अपनी अटेंडेंस लगाएंगे कि हम लंगर सेवा पे जा सकते हैं। सो मतलब दिस दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी लोगों के घरों में बस गई है, लोगों के दिलों में बस गई है। दिस नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट कि जाना है सेवा करना है। अभी भी आप देखेंगे 45 degrees टेम्परेचर है, मैं आपको कई फोटोज भी शेयर कर दूंगा। लेडीज आके गर्मी में खड़े होके सेवा करके घर वापस जा रही हैं, उनको क्या जरूरत है, आराम से ठंडे AC में बैठें, कूलर की हवा खाएं। मगर नहीं, मतलब सबके अंदर कुछ रूह जागी है जिसकी वजह से दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी एक से नहीं 5 जगह और आने वाले कल में और होपफुली और जगहों में जा सके। हमको बस केवल हाथों की जरूरत है, हाथ इकट्ठे होंगे तो टीमें बनती जाएंगी। दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी एक साल में 500,000 लोगों को खाना खिला चुके हैं। एक महीने में ये 50,000 लोगों को रीच आउट करते हैं, लंगर सर्व करते हैं और एक साल में ये हो जाता है 500,000। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक एवरीवन टू मीट कर्मा ढिंगरा, मिसेस ढिंगराज डॉटर। It was an eye opener ki, you know, there's so many other people outside on in our city who are not even getting 1 square meal and they're probably going hungry for days. So usi din jab decide kiya ki first day jaake karte hain, so that's when I started also. And since then tab se thoda kar rahi thi, in the beech mein there was a gap where I stopped because of college and work,
but even then I've been back and supporting social media and all of that. And like you said, youngsters, so youngsters ki awaaz bahut important hai, because definitely we're the next generation, yeah, and we're going to take control later. So I feel as much as I can speak out, and you know, if I can relate to the young population, which is a lot, wo acha rahega, so that you know, after this generation, hamari generation aisa kuch kare, and it's always there, so that you know, there's an understanding that this is also important as much as true our careers and true education is very there true also. Aur tab se bas social media wagera back end, I've always been helping dad between work and between college. Don't go hands on as much as I used to before, but jitna kar sakti hu with the social media, like I said, and with administration, like if dad needs help with something, we, you know, have to write up something or talk about something somewhere. So that's true, that's the most help that I can give is now. I think I must say that youngsters like us should go out there and, you know, try and true get this cause to become a bigger cause, and jitna help mil sake, even from youngsters, because we are the ones who are going to take mm-hmm it forward. So I think even, I mean, everyone's welcome to come, but I think mostly youngsters should also come true and help us true in our cause. Yeah. So sir, my next question is to you. What are the challenges that you face? What are the hurdles? Any sort of hurdle, because you have been running this for so long. On such a large scale, it's not possible for it to be, you know, a cakewalk. So kya challenges aapko face hue hain abhi? Challenges kafi hain. Kahi had tak administrative challenges bhi hoti hain. क्योंकि हमको सरकार के साथ चल के अपना और स्प्रेड करना है. एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे जब फाइनेंशियल एड कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट को स्टडी करा जाए, हमारी नियत को देखी जाए और हमको प्रमोट करा जाए, परमिशन दिलाए जाएं, व्हीकल मूवमेंट में आसानी हो ताकि हम लंगर एट एनी गिवन टाइम इमरजेंसी में कहीं भी शहर में पहुँचा सकते हैं, ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, एंड ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे और अस्पताल हैं जिनको हम जाके सर्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन से ये हेल्प मिल जाए तो दैट बी अ ग्रेट ग्रेट हेल्प टू. बट व्हाई हॉस्पिटल्स? अस्पतालों के बाहर चलने का रीज़न इस करके है कि दूर गाँव से लोग आते हैं और कई दिनों तक उनको अपनी ट्रीटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, तो उसी दरमियान वेट के दरमियान भूख तो ऑब्वियसली लगती है, और अच्छी दवाइयों के साथ साथ अगर पौष्टिक आहार नहीं मिले तो वो दवाई भी नहीं पसंद चलती है. The current strength of the team is around 375 people. That is so encouraging to know. Very encouraging. और डेली फेसबुक में अगर आप देखें तो डेली हमारा है कि और वॉलंटियर्स आए. हम कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं मांगते, हमारा ये रहता है कि आप वॉलंटियर करने के लिए आए, और अपने आप अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं फीडिंग हंगर, तो आप अपने आप उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे. आई वुड लाइक टू मेंशन कि कई लोगों ने आके छोटे छोटे बच्चे अपना जन्मदिन 13th birthday, 18th birthday, 4th birthday आके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एट एनी गिवन लंगर करीबन 1200-1300 आदमी लंगर खाते हैं. सो दे कैन गो बैक टू द स्कूल एंड से कि आई हैड अ बर्थडे पार्टी और आज मैंने 1200 आदमियों के साथ बर्थडे पार्टी की. कई अपने यादगार करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए सेलिब्रेट करके, तो उसी के साथ हम चलते जा रहे हैं और आगे मूव करते जा रहे हैं. So, sir, who are the people you work with? Who is in your core team? Now, core team, this is not a single-handed operation anymore. पहले तो शुरू हुआ था मजाक में, अब मजाक इतना बड़ा बन गया है कि it has become an organization. So, जो कुछ की अब मैंने अपने business life में सीखा था, वही हमने यहाँ implement किया हुआ है. So, this is the registered trust है, और tax exemptions भी हैं हमारे पास, सारे returns file होती हैं. हम अपने फाउंडेशन को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हैं और टोटली कंप्लायंट रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी किसी भी वक्त आके चेक कर सकता है, ताकि हम लोगों का काम करने का तरीका क्या है. हमने सिस्टम सेटअप किए हैं, हर लोकेशन के ऊपर एक कोर टीम है. कोर टीम मैनेजेस द डेली लंगर की कितना ऑर्डर करना है कितना नहीं करना है, क्योंकि इस साल हमने पहली बार नवरात्रों को दिमागी रखते हुए हमने खाना भी नवरात्र के स्टाइल से बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लंगर को खाएं, जो कि अस्पतालों में सुबह से शाम लाइनों में लगे रहते हैं. नवरात्रि कस्टमाइज्ड लंगर, एंड दिस कोर टीम्स आर ऑल मैनेज्ड बाय ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का बड़ा योगदान है. सारी टीम्स के ऊपर हम मॉनिटर करते हैं. फिर बिसाइड द कोर टीम, हमारी सेवा की भी एक ग्रुप चैट है, जिसमें कि बेसिकली आप अपना अटेंडेंस लिख के आप वहाँ सेवा करने आ जाते हैं, खाना तैयार होकर पहुँच जाता है, लग जाता है, और सारा कुछ प्लानिंग समझाई दी जाती है, ड्यूटियां बांटी जाती हैं,
और एक मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि स्वच्छ भारत को भी मद्देनजर रखते हुए हम इस लंगर को करते हैं कि कूड़ा कोई नहीं छोड़ के जाएगा. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कमेंट कि हमारी फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द फ्यू फाउंडेशन और द अर्लियर फाउंडेशन जिन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और कटोरियाँ यूज करनी शुरू की हैं. एक लंगर पर वीक से शुरू करते करते वी आर नाउ डूइंग 9 लंगर्स अ वीक एंड देर आर मल्टी लोकेशंस. हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, एम्स है, ESI बसाई दारापुर है, नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है. आप इतने सारे लोगों को खिलाते हैं, हॉस्पिटल्स में आप हैं, वो ऐसी एक ऑलरेडी इमोशनल जगह है, तो आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? बिकॉज आप दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे अकॉर्डिंग टू एज एंड एक्सपीरियंस. सो व्हाट वाज द मोस्ट हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू? एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बट देयर्स वन एक्सपीरियंस व्हिच ट्रूली टच्ड मी एंड दिस वाज अ लेडी केम अप टू मी, मस्ट बी माय मदर्स एज, एंड शी जस्ट केम अप टू मी एंड सेड कैन यू प्लीज हेल्प मी. उन्होंने बोला मुझे आप मदद करें क्योंकि मेरा बेटा है जिसको कैंसर है और डॉक्टर्स ने कहा है कि ही ओनली हैज़ वन मंथ टू लिव. एंड शी केम एंड टोल्ड मी दैट द सर्जरी डेट व्हिच दे हैड गिवन हर द सन द पेशेंट वाज आफ्टर 6 months. सो इमेजिन व्हाट इट ब्रोक मी डाउन, क्योंकि एक माँ है जिसको पता है उनका बेटा इज नॉट वेल एंड ही प्रॉब्ली वोंट सर्वाइव. इट्स पेनफुल बिकॉज आई कुड सी इट इन हर आईज. एंड मैंने उसी मिनट उनको अपना नंबर दिया ना, आई सेड कॉल मी आप, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चल रहा है थ्रू लंगर, यू नो इट्स एवरीवन्स बिजी. तो उनको मैंने बोला आप मुझे फ़ोन करें एंड रीच आउट टू मी एंड आई विल हेल्प यू. एंड एट दैट टाइम आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, यू नो आई कुडंट हैव गॉन टू माय डैड एंड आस्किंग कि व्हाट डू आई डू. सो इट वाज सो स्पॉन्टेनियस एंड इट जस्ट ब्रोक मी एंड शुक मी दैट आई सेड लिसन, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया, सर आप कॉल करें, मुझे जितनी बार कॉल करना है एंड आई विल मेक श्योर दिस इज़ डन. And we did the best that we could do, and we made sure that the child gets operated in time, and hopefully he's doing okay. Yeah. So experiences like this, where you see someone the same age as your mother, who's gonna lose her child, so I think it's true. It should, you know, shake everyone. Like it yeah, should. Yeah. And for you. एक टाइम क्या हुआ कि मुझे एक लेडी बुला रही थी, तो मैं सोचा मैं कहा नहीं हम पैसे नहीं दे सकते, आप लंगर खाइए जितना मर्जी लंगर खाना है आपके लिए खाइए. कहता नहीं आप ये दो छोटे बच्चे साथ खड़े हैं इनकी बात सुनो, छोटे छोटे बच्चे होंगे मुझे पता भी नहीं क्या उम्र होगी एंड कुड बेयरली स्पीक. तो मैंने ऑब्वियसली झुक के मैंने सुनने की कोशिश की वो क्या कह रहे थे. वो बच्चा कह रहा था कि मेरे को सारे बिक्की वीर जी बुलाते हैं सारे लंगर लोकेशन में हॉस्पिटल्स के बाहर, सो आई बीन नाउ बीइंग रेफर्ड टू एज बिक्की वीर जी. सो दैट गाय दैट चाइल्ड टोल्ड मी वीर जी हम मंडे ट्यूसडे थर्सडे आपके वैन की वेट करते हैं. मैंने कहा क्यों? इसे क्योंकि हमें आपकी दाल और रोटी खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ना उसमें ज़्यादा तेल है ना उसमें मिर्च है और हमें कैंसर है, तो इसलिए हम वेट करते हैं कि आपका लंगर खाएं. दैट शुक मी कि जो चीज़ लाइक कर्मा राइट से जो चीज़ हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई लोगों को तो पता भी नहीं वो है क्या. सो इसी से और हम धक्का दिए जाते हैं. और हम सरदारों के लिए रोज़ सवेरे अरदास करनी ज़रूरी है, अरदास में शरबत का भला मांगना भी ज़रूरी है. शरबत हो गया पूरी कायनात, उसमें कोई रिलीजन नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, तो एक शरबत का भला मांगा जाता है. और मैं अपनी सवेरे के अरदास में वाहेगुरु से यही कहता हूँ कि और स्थान दो और लोग दो ताकि आपके नाम का प्रसादा जिसको एक रोटी कहते हैं जगह जगह और पहुँचे, ताकि भूख को हम इरेडिकेट ना कर सकें एटलीस्ट कम तो कर सकें. So is there any instance that you know people have shown that how enthusiastic and how interested they are to be a part of this anyhow? Like I told you, Facebook ne hamari kafi madad ki hai. Yeah. Aap manenge nahi, America se, Canada se, England se log reach out kar rahe hain ki hum aapko fund karna chahte hain. Hum aap tak pahunch nahi sakte hain magar hum aapko fund karna chahte hain taki ye jo aapne muhim chalu kar rakhi hai zaruratmand ko langar seva khilane ki, taki aap isko aur badhotri de sake. But right now we don't have permission to take foreign funding. So ये हमारा एक drawback है. मगर all national funding, यार दोस्त वगैरह Facebook से भी कई लोग regularly monthly funds भेज रहे हैं. It all goes into account. कोई इसमें मतलब grey area नहीं है. Receipt काटी जाती है, accounts audit करे जाते हैं and everything is crystal clear. So लोग Canada से एक दिन मुझे फ़ोन आया, that was really the surprising fact कि हाँ ये जो काम हमारी टीमें कर रही हैं
जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने सेटअप किए हैं, ये लोग सबको बाहर देख रहे हैं। तो कई लोग फ़ोन करते हैं, जैसे मुझे पूना से, कैलकटा से कई फ़ोन आए हैं कि वीर जी लंगर सेवा इधर शुरू कर लो। मैंने कहा एक बाल्टी ले लो, खाना तैयार कर लो, रोटी ले लो, बांटना शुरू कर दो। कहता नहीं इतना आसान नहीं है। मैंने कहा इतना ही आसान है। कहता नहीं, हमको आपके सिस्टम चाहिए और आपके साथ जुड़ना है ताकि हम भी यहाँ पर इसको इम्यूलेट करें, ताकि प्रॉपर सिस्टम में पूरा कार्यक्रम करा जाए। लॉट ऑफ वर्किंग पीपल आर विद अस, आप मानोगे नहीं, वो अपना डे को प्लान करते हैं। जैसे कई लोकेशन में 3 days a week हैं, एक दिन नहीं आएंगे, काम पे लेट चले जाएंगे। तो मतलब इट्स नॉट ओनली कि जिस आदमी के पास टाइम है वो ही आके सेवा करें, नहीं। अब कई लोग कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं, हम आपको मॉनिटरी सेवा करेंगे, राशन भेज देंगे, नहीं तो मैं कहते हैं अब और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा फेसबुक में जाइए और लोगों को टाइप करिए और दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के बारे में बात करिए, ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी सेवा है। And see, again, like I said, I always emphasize on the younger population. Like, I mean, humne aage jaake karna hai. So it's good that school students are starting at that age, because then they used to it, and dad says they come after school regularly. So it's always nice to see, ki, you know, they also planning their days out in a way. And it's good to start at a young age, because then it's imbibed in you. Like, aapke andar itna aa jata hai, and then probably go and tell their school, you know, like school friends and stuff. So I think. अब जैसे कि पेड सर्विसेज नहीं है यहाँ, अब नॉट टू इनकरेज, आपने बोला कैसे लोगों का उत्साह बढ़ाया जाए। अब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिलवाते हैं, मोमेंटोस दिलाते हैं, ताकि देन दे कैन गो बैक एंड दे कैन प्राउडली से कि देखो वी आर एसोसिएटेड विद दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी। तो जैसे कि अभी हमारा 4th foundation day अभी ख़त्म हुआ है, और ये पहली बार ही दिल्ली लंगर सेवा की 4 साल की हिस्ट्री में हमने ऐसा कुछ किया था जिसमें हमने अपने बुजुर्ग सेवेदारों को भी ऑनर किया था, ताकि ये बताने के लिए कि सेवा की कोई उम्र नहीं है, सेवा के लिए कोई टाइम नहीं है। आप छोटे से छोटे भी शुरू कर सकते हैं, आप उम्र ज़्यादा भी हो जाए तब भी आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें हमारे 3rd guru साहब, उनको 72 years की एज में गुरुगद्दी मिली थी। सो हमने वो ही ब्रैकेट रख के 70 साल का ब्रैकेट रख के हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो बड़े गुस्से होते हैं मेरे से कि तू हमको बुजुर्ग क्यों बुलाता है, तो उन सारों को हमने ट्रॉफीज दिए थे और सर्टिफिकेट दे के ऑनर किया था। एंड आर एल्डेस्ट सेवेदार बीइंग सरदार महेंद्र सिंह, आजकल वो अमेरिका में है, बट वो 83 years के यंग हैं, और मेट्रो से हफ्ते में 3 बार पटेल नगर से एम्स आते थे। 83, अभी शायद इस साल उनका 84th birthday है, और एक्टिवली आके प्लेटों की सेवा करते थे, मतलब कि 1200 से 1300 प्लेटें बांटना। और बिसाइड्स दैट ही इज अ एविड ड्रमर एंड ही लव्स टू डांस एंड ही 83 years old यंग। सो नाइस, सो सो इंस्पायरिंग। आई थिंक दिस जस्ट शोस दैट यू डोंट हैव टू गिव अ लॉट इफ द इंटेंट इज देयर। या अगर अंदर से बात आ रही है तो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर हमें मन है तो। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड पीपल जॉइन? How can people reach out to you? See, in this day and age where everything is on social media, we are there too. So on Facebook, we have our page, Delhi Langar Sewa Society. We're on Instagram also. Yeah. But Facebook is very primarily function. Okay. And we have all our details there as to kab kahan langar hota hai, kaun se days pe, kitne time pe, contact details sab hai, WhatsApp number, mobile number, email address. You can always reach out. कभी किसी, ऑल नंबर्स ऑलवेज वर्किंग, सो एनी टाइम आप अगर मैसेज भेजें और आप कहें कि हमें भी आना है या हमें भी कंट्रीब्यूट करना है, यू विल ऑलवेज गेट अ रिस्पांस। सो सोशल मीडिया, फेसबुक इज मोस्टली वेरी फंक्शन फ्रॉम। ओके, अभी हमारी मुलाकात हुई मिस्टर ढींगरा से, जो दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के फाउंडर हैं। हमने उनसे काफी बात की और काफी कुछ जाना, और उम्मीद है कि हम काफी कुछ और जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।